कैसे हैं आप सब? तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंपटीटर्स को एनालाइज कैसे करेंगे, और इसके अलावा एड कॉपी जो होती है वो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि एड कॉपी क्या लिखना है, या फिर एड कॉपी में क्या चीजें होनी चाहिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। सेकेंड थिंग हम लोग पढ़ेंगे ऑडियंस की। ऑडियंस रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो देखो, कंपटीटर्स को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको एड कॉपी और क्रिएटिव ये सारी चीजें तो मिल जाएंगी, बट जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आप वहां से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो आपके पास एक और सेकेंड ऑप्शन होता है कि ऑडियंस को आप एनालाइज कैसे करोगे या ऑडियंस डिसाइड कैसे करेंगे हम लोग, जो कि अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। इसके बाद मेटा पिक्सल और कन्वर्जन कैसे सेटअप करेंगे, कैसे हम पिक्सल जो है वो सेटअप करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि पिक्सल प्रॉपरली इंस्टॉल है या नहीं है। उसके बाद हमारा आता है टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग। टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग मतलब हमारा एक तरीके से क्या होता है कि जैसे हमारी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, राइट, तो उस विजिटर को अगर हमें दोबारा से टारगेट करना हो फेसबुक ऐड पे तो हम कैसे करेंगे, या कोई यूजर है जिसने हमारी जो है कोई पर्टिकुलर पोस्ट जिन लोगों ने लाइक किया है उनको हमें दोबारा से टारगेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं टारगेटिंग रीटारगेटिंग। आज हम लोग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, क्लास क्लास में देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं इसको हमें कंप्लीट करना है आज के ही क्लास में। क्लियर है सबको? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एनालिसिस से। सबसे पहले एक टैब में हम लोग फेसबुक एड मैनेजर ओपन कर लेंगे। देखो क्या होता है, हमारी एक नॉर्मल अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है, जब भी आप कोई एड प्लान कर रहे हो वो किसी भी इंडस्ट्री का है, लेट सपोज वो ई कॉमर्स का है, लीड जनरेशन का है, या फिर ब्रांड अवेयरनेस का है, राइट, तो हमारी जो सिंपल अप्रोच होती है वो कैसी होती है कि सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कंपटीटर्स की, है ना। लेट सपोज अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो लीड जनरेट कर रहे हो किस चीज के लिए, आप लीड जनरेट कर रहे हो रियल एस्टेट के लिए आप जनरेट कर रहे हो, कोई अदर इंडस्ट्री है लाइक एज कोई एजुकेशन सॉफ्टवेयर या टेक, तो किसके लिए आप लीड जनरेट कर रहे हो एक्चुअल में, तो उसमें आपके कुछ कोर कंपटीटर्स होंगे। जैसे अगर आप रियल एस्टेट में जाओगे तो कई सारे ब्रोकर्स हैं, कई सारे बिल्डर्स हैं, उनका नाम आप देखोगे। एजुकेशन में जाओगे तो एडटेक वगैरह में बायजूस एंड एकेडमी आप उनका नाम देखोगे। सॉफ्टवेयर में जाओगे तो सॉफ्टवेयर में आप जोहो का देखोगे, जी सूट गूगल का देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे, AWS देखोगे, बहुत सारे ऐसे जो है आपको मिलेंगे। तो चाहे आप लीड जनरेशन की बात कर रहे हो या फिर हम सेल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लीड जनरेशन भी लास्ट में कन्वर्ट कहाँ पे होता है, सेल्स में ही जाके कन्वर्ट होता है। अब रियल एस्टेट का क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम डायरेक्ट सेल्स का एड नहीं रन कर सकते। रीजन, इंटरेक्शन जरूरी है। इंटरेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि बेटर क्लैरिटी आप दे सको। एड में आप ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरा 1 आवर की एड वीडियो बना दी, ये चीज पॉसिबल होगा नहीं। तो एड में हम सारी चीजें क्लियर नहीं कर सकते, यूजर्स के साथ हम सारी चीजें कैसे क्लियर कर सकते हैं एड में। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एड में हम नहीं शेयर कर सकते, तो हम एड में सिर्फ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो इसके आसपास या नियर बाय अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो लीड फॉर्म फिल कर सकता है और हमारी टीम उसको कंप्लीट डिटेल शेयर करेगी, उससे बात करेगी, कन्विंस करने का ट्राई करेगी। क्लियर? तो जब भी हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं एक्चुअल में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री का है, तो हमारे पास कोर कंपटीटर्स होते हैं। अब वो कोर कंपटीटर्स कोई भी हो सकते हैं, है ना। आपके पास एक लिस्ट होगी, जब भी आप अगर वर्क कर रहे हो किसी चीज पे तो आपके पास एक लिस्ट होगी, टोटल कंप्लीट एक लिस्ट होगी किसी भी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनके एड को देखने की कोशिश करते हैं, उनके एड को हम देखते हैं, उनके एड को हम एक तरीके से एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है एडिशनल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करने की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट और आता है, लेट सपोज कोई आपका कंपटीटर है, उसका उसके एक या दो एड जो है वो January 24 से चल रहे हैं, January 2024 से चल रहे हैं, राइट। तो अभी नाइन्थ मंथ या मान के चलो टोटल 9 मंथ हो चुके हैं, तो अगर January 24 से अभी तक वो एड रन कर रहा है इतने लंबे टाइम से,
दैट मीन्स कि वो एड प्रॉफिटेबल है भाई। अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो अब तक इसको पॉज कर चुका होता वो 9-10 महीने से। क्यों कोई भी आखिर वो 9-10 महीने से क्यों कोई इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा? अगर एड प्रॉफिटेबल नहीं है तो कोई इतना पैसा क्यों स्पेंड करेगा, राइट? दैट मीन्स कि एड प्रॉफिटेबल है, इसी वजह से वो रन कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसे एड देखने होते हैं। सेकेंडरी हमारा क्या पॉइंट आता है यहाँ पे? सेकेंडरी पॉइंट ये आता है, हमें कुछ ऐसे भी इनएक्टिव एड यहाँ पे शो करते हैं, हमें कुछ ऐसे एड भी देखने होते हैं जिनमें बेसिकली उसको 10 दिन 15 दिन के लिए रन किया गया था, 10 डेज 15 डेज तो 1 मंथ आप मान सकते हो, 1 मंथ के लिए उसको रन किया गया था और उसके बाद उसको पॉज कर दिया गया। रन करने के बाद उसको जो है पॉज कर दिया गया उस एड को। तो उस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे? इसको लॉस मेकिंग एड था, इसकी वजह से उसको पॉज कर दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। इसमें भी हो सकता है कि लॉस मेकिंग एड ना रहा हो, अभी पॉज कर दिया गया हो क्योंकि अब वो सर्विसेज वो देते ही नहीं है, या हो सकता है लॉस मेकिंग एड ना रहा हो लेकिन जो आपका आरओएस था वो एक तरीके से उतना ऑप्टिमाइज ना हो पाया उसमें जितना रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होता है एड को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो ये कुछ हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं जो कि हमें हमेशा माइंड में लेके चलने हैं। हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम एक एड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, एड कैंपेन क्रिएट करने के बाद हमें क्या क्या चीजें कैसे, नहीं, सिर्फ इतना हमें नहीं देखना है, हमें इन सब चीजों को भी एनालाइज करना पड़ेगा अगर एक प्रॉफिटेबल एड रन करना है तो। तो हम लोग अगर हमें कंपटीटर्स के एड चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल, एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक का ही है, फेसबुक एड लाइब्रेरी सर्च करेंगे हम लोग और जाएंगे फेसबुक एड लाइब्रेरी पे। ऐसा कुछ पेज आपको ओपन होगा फेसबुक एड लाइब्रेरी का। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड एड को सर्च कर सकते हो, आपका टारगेट जहाँ पे है। अब मान के चलो हम इंडिया के लिए एड रन करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया और एड कैटेगरी में ऑल एड्स पे सेलेक्ट करेंगे, ऑल एड एड कैटेगरी में। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, लेट सपोज चलते हैं और फेसबुक पे हम लोग एक बार सर्च करते हैं। एक बार कोई हम लोग रियल एस्टेट कंपनी, और वैसे जो रियल एस्टेट कंपनी होती है, एक चीज आपको और ध्यान देना है, जो रियल एस्टेट कंपनीज होती हैं वो डायरेक्टली एड नहीं चलाती, उनके पास सब अकाउंट्स होते हैं, लाइक उनके पास एजेंसीज होती हैं। तो अलग अलग वो फेसबुक पेज से अलग अलग वो नाम से जो है वो एड रन करते हैं। और जस्ट वेट अ सेकेंड, तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो देखो प्रतीक ग्रुप से एड चल रहे हैं यहाँ पे। मान के चलो हमारा कंपटीटर जो है वो प्रतीक ग्रुप है, एक कंपनी है नोएडा में रियल स्टेट की, जो बेसिकली मुझे पता नहीं है ये किस में डील करते हैं, लाइक रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में। तो एक बार चेक कर लेते हैं, या किसी में भी अगर मान के चलो जैसे भूटानी ग्रुप हो, भूटानी इंफ्रा हो गया, ये बहुत बड़े लाइक ये बिल्डर डायरेक्ट बिल्डर है, भूटानी इंफ्रा हो गया या महागुण ग्रुप हो गया। तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि देखो जब भी एड रन होते हैं तो दैट मीन्स ये होता है कि डायरेक्टली एड रन नहीं होते हैं किसी भी बिल्डर के नाम से, या अगर रियल स्टेट एजेंसी है तो डायरेक्ट उस एजेंसी के नाम से भी एड रन नहीं होते। अभी ये प्रतीक ग्रुप वाले केस में हमने देखा कि एड रन हो रहे हैं, तो दैट मीन्स हो रहे होंगे। अगर हम महागुण से भी देखेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आपके माइट भी बहुत सारे ऐसे लाइक कंपटीटर होंगे जिनके जो है एड नहीं रन होंगे। देखो महागुण ग्रुप के नाम से भी आपको मिल गए लेकिन बहुत ही लिमिटेड एड है,
ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इनके ऐड रन नहीं हो रहे होंगे, इनके ऐड रन हो रहे होंगे, बट स्टिल हो सकता है कि दूसरे नाम से रन हो रहे हों या कोई दूसरी एजेंसी हो जो इसको हैंडल कर रही हो, राइट? तो हम चलते हैं प्रतीक ग्रुप पे, क्योंकि हमारे पास वहां पे एक तरीके से एड कॉपी ज्यादा थी, तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं, ठीक है, प्रतीक ग्रुप। अब अगर पता करना हो, लेट सपोज अगर आपको पता करना हो, जैसे मान के चलो आप कैसे भूटानी इंफ्रा का आपने देखा या महागुण का आपने देखा, तो आपको पता करना है कि महागुण के सारे एड कैसे पता चलेंगे, भाई किस एजेंसी से हैं, कैसे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, इनकी वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल फोन से इनकी वेबसाइट पे जाना है और विजिट कर लेना है, दिन में एक दो बार विजिट कर लेना है। मैंने महागुण सर्च किया और जाके मैं इनकी वेबसाइट पे एक दो बार जो है विजिट कर लूंगा। अब जब मैं इनकी वेबसाइट पे विजिट कर लूंगा, उसी फोन से आपको विजिट करना है जिस फोन में आपका फेसबुक है, तो उसके बाद क्या होगा कि एक से दो दिन बाद आप नोटिस करोगे कि महागुण के मोस्टली एड आपको आने लग जाएंगे अलग अलग पेजेस से। अब जिस पेज से आपको एड आया है ना, जैसे लाइक बहुत बार आता है रियल एस्टेट किंग, मान के चलो कोई एक पेज है रियल एस्टेट किंग, इसके एड से आए, इस पेज से आपके पास एड आया महागुण का, तो आपने क्या किया, इसको नोट डाउन कर लिया ये भी एक पेज है। उसके बाद फिर एक दो घंटे बाद हो सकता है दूसरे पेज से भी आ जाए आपके पास, क्योंकि इनके पास बजट बहुत हैवी होता है भाई। अब आप सोचो अगर इनको 1 CR का कोई फ्लैट सेल करना है, तो एटलीस्ट एक इनकी कॉस्ट पर कन्वर्जन जो होती है वो 1 से 3 लाख रुपए के आसपास होती है, एक कस्टमर को एक्वायर करने में 1 से 3 लाख रुपए स्पेंड करते हैं। और अब जैसे इनकी कॉस्ट, जैसे मान के चलो ये महागुण है, कोई बिल्डर है, रियल एस्टेट में जिनको काम करना होगा उनके लिए बेनिफिशियल ही होगा, बट हम लोग एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके चल रहे क्योंकि ये टफेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है, इसलिए इसका हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे। अब मान के चलो ये बिल्डर है महागुण, तो इसने क्या किया, इसने 10 एजेंसी हायर की, 10 एजेंसी मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं, ब्रोकर की एजेंसी, 10 ब्रोकर की एजेंसी हायर की, और उसने कहा पर फ्लैट पे हम आपको 10 लाख रुपए देंगे डायरेक्टली 10% कमीशन, एक करोड़ का फ्लैट है और 10 लाख रुपए हम लोग आपको देंगे पर फ्लैट पे। अब उसके बाद क्या होता है कि इन ब्रोकर्स ने, दस ब्रोकर्स ने मिलके 3-4 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर की। अब यह ऐसे भी हो सकता है कि अलग अलग ब्रोकर्स ने अलग अलग मार्केटिंग एजेंसी हायर की, तो अब इनका क्या होगा, ये मार्केटिंग एजेंसी को फिक्स प्राइस देते हैं, ऐसा नहीं कि एक फ्लैट सेल हो गया और मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा, नहीं, फिक्स प्राइस होता है इनका, ये पर लीड के अकॉर्डिंग पे करते हैं और कैंपेन हैंडलिंग के अकॉर्डिंग पे करते हैं। जैसे इन्होंने क्या किया कि 10 लाख का एड चलाया, 10 लाख का एड चला के इन्होंने 7 से 8 फ्लैट सेल कर दिए, 10 लाख का इन्होंने एड चलाया, 7 से 8 फ्लैट सेल कर दिए, इनके पास ROI कितना आया, 70 से 80 लाख। अब इसमें से ये जो है एजेंसीज को पे करेंगे, लाइक 10 लाख का एड चलाना है तो इन्होंने क्या किया, एजेंसी को बोला कि आपको 2 लाख रुपए आपकी जो फीस है वो प्लस 10 लाख रुपए के ऊपर कुछ एक 5% या समथिंग ऐसे एक फिक्स चार्ज, मतलब जितना इन्होंने स्पेंड किया। देखो जो एक एजेंसी की फीस होती है या एक डिजिटल मार्केटर की फीस होती है वो अलग होती है, प्लस में जितना बजट वो स्पेंड करेगा, 10 लाख स्पेंड करेगा तो 10 लाख का 5% और एडिशनल वो देगा, 5% या 10% जिस अकॉर्डिंग उनकी डील हुई रहती है, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग से चलता है। तो आपको अगर इनके कंपटीटर को ट्रैक करना है तो आप क्या करोगे, आपके पास मान के चलो महागुण जो है वो किसी दूसरे के पास है, अब लेट्स सपोज प्रतीक ग्रुप आपके पास आया, अब उसका कंपटीटर महागुण है, तो आप डायरेक्ट महागुण को अगर टारगेट करोगे तो नहीं हो पाएगा, तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं, कौन सी एड कॉपी यूज कर रहे हैं। तो आपको कहां पकड़ना होगा, सीधे आपको डाउन आना होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज पे, और आपको पकड़ना होगा किस किस पेज से ये एड रन कर रहे हैं, कौन कौन से इनके पेजेस हैं जिन पे एड रन कर रहे हैं। अब महागुण जो है वो महागुण हो गया या जो भी बिल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली
अपने उनके जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं उनसे एड सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के रन करते हैं, कल्चरल एड वो रन करते हैं, डायरेक्टली सेल्स वगैरह के रन नहीं करते। हाँ वहां पे भी आपको कोई कोई मिल जाएगा, तो ये मत बोलना कोई आके कि लाइक मैंने एक बिल्डर ऐसा देखा था जो अपने मेन पेज से ऐसे ऐड रन कर रहा था, ठीक है वो करते हैं, वो ऐसे केसेस भी होते हैं, लेकिन कॉमनली जो मैं बता रहा हूँ कि आप इनको पता चले, आप उनको ट्रैक करने में लग रहे हो, आप देख रहे हो कि ये दो ऐड आपको मिले इसके, तो आपने सोचा कि बस दो ऐड ही चल रहे होंगे, नहीं बैकएंड में बहुत सारे होंगे। और आपको सिंपल क्या करना है, उनकी वेबसाइट पे अपने फोन से 2 से 3 बार विजिट करना है, और नहीं होगा तो एक आध फॉर्म वगैरह भी फिल कर देना, सिंपल। अब जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे या फॉर्म वगैरह फिल करोगे या कोई भी इंटरेक्शन करोगे उनकी वेबसाइट से, तो क्या होगा कि जो कुकीज है वो सेव हो जाएगी वहां पे, और वो कुकीज को ये एजेंसी कैप्चर करती है, जो एजेंसी एड रन कर रही होती है वो एजेंसी कुकीज को कैप्चर करती है और उसी अकॉर्डिंग रिटारगेटिंग करती है, जो कि अभी हम आगे रिटारगेटिंग में देखेंगे इस पार्ट को, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें कंपटीटर फाइंड आउट करना है, हमें ऐसे नहीं करना है सिंपल कि भाई हमारा कंपटीटर जो है ये है फ्लिपकार्ट है, तो हम फ्लिपकार्ट पे ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे कौन लोग हैं, सेलर हैं। अब सेलर भी अपना सेपरेट ऐड तो चला ही सकता है ना अपने प्रोडक्ट का, हो सकता है वो अलग से ऐड चला रहा हो फिर, तो हमें क्या करना है, हमें ऐड को ट्रैक करना है। कंपटीटर में हमें क्या करना है, कंपटीशन जब हम एनालिसिस करने बैठेंगे या कंपटीटर एनालाइज करेंगे तो हमें एड कॉपी को ट्रैक करना है, ना कि कंपटीटर के पेज को, हमें उनकी जो एड कॉपीज यूज हो रही है हमें बेसिकली उनको ट्रैक करना है, उनको ट्रैक डाउन करना है, उनको देखना है कि क्या कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो है प्रत्येक ग्रुप देखा यहाँ पे। अब देखो एक चीज और ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे है स्टार्ट रनिंग ऑन September 4, इसका ये मतलब नहीं है कि 4 सितंबर में ही ये एड स्टार्ट हुआ है, नहीं, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि ये एड पहले से चल रहा था और 4 सितंबर को इन लोगों ने इस एड को अपडेट किया, ये भी हो सकता है सिंपल के। राइट, अब आप देखोगे लीड जनरेशन एड चल रहा है, जहां पे आपको ऐसा fb.me लिखा मिलेगा, इसका मतलब है कि ये फेसबुक फॉर्म वाली लीड जनरेशन का एड है, ये वेबसाइट के लैंडिंग पेज का एड होगा, ठीक है। और देखते हैं आगे चल के, तो अभी हमें लिंक भी मिल जाएगा। अगेन ये फेसबुक फॉर्म का है, अब आप देखोगे अलग अलग पेजेस से ऐड आ रहे हैं, ये भी प्रतीक ग्रुप का ही ऐड है, तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कोई अगर लैंडिंग पेज हमें मिलता है जिसको हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ आप देखोगे इसमें अलग अलग ऐड और भी आ रहे हैं, बट मोस्टली आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब देखो कोई FOP रियलिटी है ना, प्राइस आप देख सकते हो 1.78 CR, डेट मीन्स प्राइस वगैरह इसलिए मेंशन कर देते हैं कि आपका बजट है तभी कांटेक्ट करो, अदरवाइज हमारा टाइम वेस्ट मत करो, सिंपल। है ना,
तो आप देखोगे मोस्टली आपको यहाँ पे मिल गया। अदरवाइज आपको क्या करना है, प्रतीक ग्रुप के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, और विजिट करके एक दो जो है मैजिक ब्रिक्स से भी इनका ऐड चल रहा है, तो एक दो से आपको क्या करना है कि सिंपल एक दो इनके फॉर्म वगैरह एक आध फिल कर देने, एक दो पेजेस पे विजिट कर लेना है आपको, दैट्स इट। उसके बाद आपको एक दिन के लिए जो आपका कूलिंग पीरियड होता है वो देना है, नेक्स्ट डे से आपकी टाइम लाइन में भर भर के इनके ऐड आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है तो किसी रीजन से आप यहाँ से ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहे उस चीज को, ठीक है। अब सेकेंड थिंग क्या होता है कि हम लोग देखेंगे एड रन कब से हो रहे हैं। देखोगे कुछ एड्स जो हैं वो ये जून से रन हो रहे हैं, ये वाला एड जून से रन हो रहा है, मार्च से रन हो रहा है, सॉरी March 15, 2024, ये किसका है, प्रतीक ग्रुप का है। अब मार्च से रन हो रहा है, दैट मीन्स कि भाई ये प्रॉफिट में है। आपको इनकी एड कॉपी वगैरह जो है, एड कॉपी बेसिकली हम इसको बोलते हैं, इस पे और इनका जो है क्या वो है क्रिएटिव क्या है इस पे, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और वैसे लीड जनरेशन जो होता है इस पे मतलब बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसा नहीं होता, बट आपका जो एक क्लियर मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए, है ना। तो आप देखोगे मार्च तक से एड रन हो रहे हैं, और ओल्ड एड आपको देखने होंगे तो आप एक बार जाके इनकी वेबसाइट पर विजिट करोगे, तो उसके बाद आपके टाइम लाइन में आने वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कंपटीटर एनालिसिस, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने ये सारी चीजें अभी बताई आपको। अब हमारा इसमें एक चीज और आता है कि हमने फाइंड आउट कर लिया लीड जनरेशन में जैसे हो गया, सेल्स में अगर हमें करना हो तो हम सेल्स में भी सेम तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान के चलो हमारा एक कंपटीटर हो, अगर हम ई कॉमर्स कर रहे हैं, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है बेवकूफ करके, bewakoof.com, आई थिंक bewakoof.com है, राइट। सबसे पहले इसके पेज को देख सकते हो, हमने अभी पेज सिलेक्ट किया है bewakoof.com का। अब यहाँ पे देखोगे क्रिएटिव का डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लैंडिंग पेज पे लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो किसके लिए जो है वीडियो एड चल रहे हैं, किसके लिए बैनर एड चल रहे हैं, वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है एक तरीके से देख सकते हो कब से क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ एड चल कब से रहा है, स्टार्टिंग डेट या स्टार्टिंग मंथ, एड चल कब से रहा है, और उसके अलावा बीच में, वैसे बीच में पॉज होगा तो आएगा ही नहीं, राइट, फिर वो नया ऐड काउंट हो जाता है। जैसे आपने क्या किया, जनवरी से मार्च तक कोई ऐड चलाया, उसके बाद मार्च में आपने पॉज कर दिया, फिर अप्रैल में आपने उसको चलाया, तो जनवरी से काउंट नहीं होगा, वो अप्रैल से ही काउंट होगा कि अप्रैल से चल रही है। मतलब अगर बीच में आपने पॉज कर दिया तो वो एड मैनेजर के लिए क्या हो गया कि अब वो नया ऐड है, सिंपल। ऑडियंस टारगेटिंग तो सेम ही रहेगी बट वो अब नया ऐड है, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग मंथ चेक करना है कि कब से स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद आपको एड कॉपी और क्रिएटिव चेक करना है, एड कॉपी एंड क्रिएटिव, ये चेक करने के बाद ही जो है आपको आगे मूव करना है। आगे मूव करना है मतलब एड क्रिएशन पे और जो भी चीज है उस पर आपको इसके बाद ही मूव करना है, उसके पहले आपको मूव नहीं करना है, राइट। इसके बाद हमारा जो सेकेंड ऑप्शन आता है वो आता है ऑडियंस की। चलो हमने भाई कंपटीटर भी चेक कर लिया, कंपटीटर कौन है हमारा, और
इसके बाद हमें सारी चीजें ऐड क्रिएटिव भी हमने देख ली, क्या कहते हैं ऐड क्रिएटिव है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है ऑडियंस। भाई हमें सब कुछ मिल गया, हमें यहां से ऑडियंस नहीं मिलेगी, लाइक ऑडियंस नहीं मिलेगी इन द सेंस कि हमें ऑडियंस का पता नहीं चलेगा कि कौन सी ऑडियंस पे टारगेट कर रहे हैं। अगर ये पता चल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, राइट? बट फेसबुक इसको शेयर नहीं करता, रीजन रीजन ये है कि अगर ऑडियंस वो शेयर कर देगा तो सब लोग एक्चुअल ऑडियंस टारगेट करने लग जाएंगे और फिर कंपटीशन भी इंक्रीज हो जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या करते हो कि आपको विनिंग ऑडियंस फाइंड आउट करनी होती है। अब जैसे मुझे कोई टी शर्ट का एड चलाना है तो अगर ऑडियंस पता चल जाता तो मैं जाके डायरेक्ट ऑडियंस देख लूंगा टी शर्ट का, अपने कंपटीटर के पास जाऊंगा, उसकी ऑडियंस उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और मैं जो है डिप्लॉय कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे जो है ऑडियंस बहुत इजीली मिल जाएगी, और ऑडियंस इजीली मिल गई तो फिर हर एक को ऑडियंस इजीली मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा उस पर, एड और ज़्यादा कॉस्टली भी हो सकते हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी खत्म हो सकता है क्योंकि वो हार्ड वर्क करके ऑडियंस को फाइंड आउट करते हैं और लोग उनके ऑडियंस को सिंपल जो है चुरा रहे हैं। तो इसलिए सेकेंड पार्ट हमारा आता है ऑडियंस, और ऑडियंस हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहला, आपको ये सोचना है कि ये प्रोडक्ट आप कब यूज करते है ना, ये प्रोडक्ट आप कब यूज करते हैं। आप अगर कोई टी शर्ट सेल कर रहे हो, ऑनलाइन टी शर्ट आप सेल कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आपको मान के चलो टी शर्ट लेनी है, तो टी शर्ट लेनी है तो हो सकता है कि कुछ मतलब ऐसा हो, कोई फेस्टिवल वगैरह हो या फिर किसी का कोई लाइफ इवेंट जो होते हैं, बर्थडे और ये सारी चीजें। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर मुझे ये टी शर्ट लेना होता तो मैं क्या चीजें देखता इसमें, क्या चीजें देखता इन द सेंस कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट होती या मेरी क्या पसंद होती तब मैं इस टी शर्ट को पसंद करता, है ना। अलग अलग डिजाइन होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनको हमें फाइंड आउट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें पता चल गया कि हमें जो है किसको टारगेट करना है, एक्चुअल में हमें ऐसे ही पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें टारगेट किसको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक एड में एक लाइक एक सिंगल ऑडियंस हम कहां से असाइन करते हैं, एड सेट से। सिंगल एड सेट में हमें एक सिंगल ऑडियंस रखनी है, सिंगल ऑडियंस रखनी है। लाइक अगर हम चार एड सेट, हमें चार ऑडियंस रखनी है तो हमें चार एड सेट बनाने पड़ेंगे अलग अलग, है ना, सारी ऑडियंस के लिए। हमें ऐसा नहीं करना है कि एक ही ऑडियंस में हमने जो है बर्थडे डाल दिया, बर्थडे टारगेट कर लिया, फिर उसके बाद एंगेजमेंट टारगेट कर लिया, मैरिज टारगेट कर लिया या कुछ भी एनिवर्सरी टारगेट कर लिया। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि एक ही एडसेट में हमें सारे ऑडियंस टारगेट कर लेने, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा और ये आगे चल के एड फटीग वाली कंडीशन आती है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसे बढ़ता है कि जैसे आपने टारगेट किया एक ही ऑडियंस में कि बर्थडे, प्लस आपने टारगेट किया एंगेजमेंट, मतलब ये दो ऑडियंस टारगेट की, इसका मतलब ये है कि इस मंथ जिनका बर्थडे और एंगेजमेंट है तो बर्थडे एंगेजमेंट वालों को आपने टारगेट किया, जो जिनका इस मंथ है आपने इनको टारगेट किया। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनका इस मंथ बर्थडे भी है और एंगेजमेंट भी है, ऐसे भी हो सकते हैं। अब उनको क्या क्या हो रहा है, उनको बर्थडे वाला भी ऐड दिखाई पड़ रहा है और सेम ऐड जो है एंगेजमेंट में भी जा रहा दिख रहा है, एंगेजमेंट वाले कैटेगरी में। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी ऐड फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। एड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक ही पर्सन को बार बार एक ही एड दिखना। अब अगर आपको एक ही एड बार 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 दिखाया जा रहा है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, दैट मीन्स वो एडवर्टाइजर का लॉस है, वो पैसा खर्च कर रहा है भाई आपको एड दिखाने में और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे एडवर्टाइजर को सोचना चाहिए इस चीज को लेकर
अगर आपने एक बार देखा ऐड, दो बार देखा, तीन बार देखा, कोई एक्शन नहीं लिया आपने, तो अब जो है आपका पीछा उस ऐड को छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ता है, हो सकता है तो उसके पास दो रीजन है ना छोड़ने के। एक, उसके पास बजट अच्छा है, दूसरा उसके पास जो उसका एड मैनेजर है वो नया है, न्यू ज्वाइनी है, जिसको भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। दो रीजन हो सकते हैं उसके पॉसिबल। तो एड फटीग वाली कंडीशन ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट, एक तो हम ऑडियंस जो है सेपरेट सेपरेट टारगेट करते हैं। जैसे सेपरेट ऑडियंस में भी एड फटीग वाली कंडीशन आ जाती है, ऐसी बात नहीं है भाई, अलग अलग एड टारगेट करेंगे तो जिनका बर्थडे और एंगेजमेंट सेम मंथ में होगा तो उनको अलग अलग एड यहाँ पे भी जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही एड में सारे ऑडियंस है तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, लेट सपोज एक यूजर को 10 बार आपका एड दिख रहा है बट वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब अब उसको एड दिखाना आपको बंद कर देना होगा, अदरवाइज आप लॉस में जाओगे। तो यहाँ पे हम वो एक्शन ले सकते हैं क्योंकि अलग अलग है सारे कैंपेन्स, सारे एडसेट अलग 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 हैं। लेकिन जब सिंगल में रहेगा तो हम वो एक्शन नहीं ले सकते, फिर हमें दूसरा नया कैंपेन क्रिएट करना होता है स्क्रैच से। और एड फटीग में क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई चली जाती है, ठीक है। तो ऑडियंस आपको ऐसे टारगेट करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है, हाँ अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। हमारा नेक्स्ट आता है मेटा पिक्सल। पिक्सल क्या है बेसिकली, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पिक्सल क्या है। पिक्सल से हम ट्रैक डाउन करते हैं विजिटर्स को। अब कैसे पता भाई, पिक्सल से हम कैसे ट्रैक डाउन करेंगे। अब मैं किसी वेबसाइट पर जा रहा हूँ तो क्या फेसबुक जो है इतना कैपेबल है कि मैं जिस वेबसाइट पर जा रहा हूँ वो फेसबुक को भी पता हो, क्योंकि भाई मैंने वेबसाइट जो ओपन की है वो तो क्रोम में ओपन की है या फायरफॉक्स में या एज में, हमने किसी दूसरे डिफरेंट ब्राउजर में ओपन किया है। और ऐसा भी नहीं है कि सेम ब्राउजर में हमने जो है फेसबुक ओपन किया है और नेक्स्ट ब्राउजर में हमने जो है उस वेबसाइट को ओपन किया। तो अगर आपने किसी वेबसाइट पर विजिट किया और वहाँ पर पिक्सल लगा हुआ है फेसबुक का, तो वो आपको ट्रैक कर लेगा पिक्सल, आप उससे बच नहीं पाओगे, वो आपको ट्रैक कर लेगा। अब वो वेबसाइट ऑनर जब भी आपको रीटारगेट करना चाहेगा आपको फेसबुक ऐड में रीटारगेट कर सकता है। आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए 365 डेज के लिए उसकी ऑडियंस में ऐड हो चुके हैं, वो जब भी टारगेट करेगा, लेट सपोज आपने जो है आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप आते हैं इन दिस एकेडमी की एक वेबसाइट एक पेज पे, इन दिस एकेडमी के एक पेज पे। अब जब भी इन दिस एकेडमी की जो लाइक डिजिटल मार्केटिंग टीम है वो जब भी चाहेगी वो आपको रीटारगेट कर सकती है फेसबुक पर। सिर्फ ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी होगी, उनको टारगेट करना होगा जिन्होंने लास्ट 30 डेज में, 90 डेज में या 365 डेज में किसी पर्टिकुलर पेज पे विजिट किया हो उनको। तो पिक्सल क्या करता है, वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक तरीके से आपकी जो डिवाइस होती है
उसको आइडेंटिफाई करके आपको ट्रैक करता है और दोबारा से आपको फिर फेसबुक पे ढूंढता है। कैसे सेटअप करते हैं हम लोग? चलते हैं सबसे पहले एक बार हम लोग एड मैनेजर में। तो हम लोग आ गए हैं एड मैनेजर में अभी। अब यहाँ पे देखो, एक तो आपको मिल जाता है ऑडियंसेस वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप अगर देखोगे ऑडियंस वाला एक सेक्शन आपको मिल जाता है, और ऑडियंस वाले सेक्शन में जाके बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि ऑडियंस डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, लोकल लाइक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। लोकल लाइक ऑडियंस मतलब क्या होता है? तो एक होता है कस्टम ऑडियंस, जिसकी हमने जो आपको क्लासेस मिली है उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने बात भी की। सोर्स आप वेबसाइट, अब क्या होता है यहाँ पे देखो, मैक्सिमम 180 डेज का है। यहाँ पे मैंने 180 डेज डाल दिया। अब यहाँ पे मैं टारगेट करूंगा कि बेसिकली लास्ट 180 डेज में किसी ने अगर हमारे इस पर्टिकुलर पेज पे विजिटर विजिट किया हो, जैसे हम ले लेते हैं एक पेज, चलो ये पेज ले लेते हैं, होम पेज। हमने होम पेज ले लिया और यहाँ पे हमने ये यूआरएल डाल दिया कि लास्ट 180 डेज में जिन लोगों ने इस यूआरएल पे विजिट किया होगा उनको हम ये एड शो करेंगे। अब मैंने ये ऑडियंस यहाँ से क्रिएट कर लिया। अभी आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी ना कि हम कैसे टारगेट करेंगे, कि जैसे किसी ने अगर मेरी वेबसाइट पे विजिट किया तो हम उसको दोबारा कैसे टारगेट करेंगे। तो डायरेक्ट उसको हम एड से टारगेट नहीं करेंगे, पहले हम ऑडियंस में आएंगे और क्रिएट ऑडियंस करेंगे, और कस्टम ऑडियंस में ये ऑडियंस हमने क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम जाएंगे एड क्रिएशन में, देखो कैंपेन क्रिएशन में। तो यहां से हम एक कैंपेन जल्दी से क्रिएट करते हैं, लीड या सेल्स का या ट्रैफिक का, कंटिन्यू करते हैं। मैनुअल कैंपेन कंटिन्यू करते हैं, कैंपेन क्रिएट हो चुका है। सीधा आते हैं हम लोग एड सेट में। तो एड सेट में देखो, जब आप आओगे यहाँ पे ऑडियंस वाले सेक्शन में, तो यहां से आपको क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस यहाँ से आपको कर लेना है। ये अभी एडवांटेज प्लस ऑडियंस है तो इसको हमें नहीं सेट करना, हमें स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया, इस पे हमने क्लिक किया और यूज ओरिजिनल ऑडियंस क्लिक कर लिया हमने। अब देखो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम लोग और इसमें आएंगे हम कस्टम ऑडियंस में। कस्टम ऑडियंस वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, किसे टारगेट करना है, कस्टम ऑडियंस में आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट, लाइक वेब पेज वाली जो ऑडियंस अभी हमने बनाई थी, वेब पेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा एड एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब ये होता है कि आप जो है कुछ एक सेगमेंट जो है उसको आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो, जिसको ऐड नहीं दिखेगा, और ये ऑप्शन जो है आपको इनेबल कर देना है। वैसे लाइक एडवांटेज कस्टम ऑडियंस, इसमें क्या होता है कि ये ऐड आपकी ऑडियंस के साथ साथ उन लोगों को भी दिखेगा जो आपकी ऑडियंस के सिमिलर ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस के जैसे हैं, यानी कि जो आपके कस्टमर हो सकते हैं उनको भी ऐड दिखेगा। तो हमें इसको इनेबल कर देना है क्योंकि हो सकता है उस वेबसाइट उस वेब पेज पे बहुत लिमिटेड विजिटर हों, और ये तभी पॉसिबल है। 180 डे का मतलब ये है कि आपके पास 180 डेज से
पिक्सल लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पिक्सल आपने आज लगाया और फिर आज के 180 डेज पहले तक का टारगेट कर लोगे, नहीं होगा। मतलब ऑडियंस क्रिएट तो हो जाएगी बट एड शो नहीं करेगा, याद रखना। इनफ डेटा चाहिए होता है। बाकी अब हम क्या करेंगे, सिंपल, और जो चीजें अदर हमारे फैक्टर उसको एज इट इज हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कस्टम ऑडियंस टारगेट कर लिया है। अब वो कुछ भी हो सकता है भाई, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, उसकी उसका एज ग्रुप कुछ और कुछ भी हो सकता है, या उसका जो डेमोग्राफिक है या लोकेशन है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या टारगेट करना है कि इस पर्टिकुलर पेज पे अगर किसी ने विजिट किया है तो हमें उसको टारगेट करना है। तो हमने क्या किया, हमने वहां से टारगेट कर लिया, और टारगेट करके हमने क्या किया कि यहां से नेक्स्ट करके, और हमने यहां से जो है क्रिएट कर लिया एड, जो अब नॉर्मल एड कॉपी जैसे हम लोग बनाते हैं, एड कॉपी और क्रिएटिव जैसे नॉर्मली हम लोग बनाते हैं। तो हमने क्या किया, ऐसे टारगेट करके हमने बना लिया और क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर हम मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा ऑडियंस। उसके बाद हम लोग चलते हैं कन्वर्जन एक्शन पे। अगर कन्वर्जन एक्शन नहीं शो कर रहा है तो हम डायरेक्ट आ जाएंगे इवेंट मैनेजर में ही, और इसमें ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, अब आओगे यहाँ पे साइड में, देखो जैसे यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन एपीआई आ रहा है सेटअप करने के लिए, और एक सिंपल सेटअप आ रहा है, और यहाँ पे आपको कुछ मेन्यू दिख जाएंगे, ठीक है। इन मेन्यूज को हमें फॉलो कर लेना है अगर डायरेक्ट आपको कन्वर्जन एक्शन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखो, ओवरव्यू, डेटा सोर्स, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन। डेटा सोर्स, डेटा सोर्स में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पिक्सल डेटा सोर्स में। अब ध्यान रहे कि आप जो है, अगर आपका ये पर्सनल, जैसे लाइक अगर आपका ये सिंपल जो पर्सनल आपका एड मैनेजर होता है वो है, तो आप एक ही पिक्सल क्रिएट कर सकते हो, इससे पिक्सल एक ही क्रिएट होगा। अब जैसे यहाँ पे एक क्रिएटेड है, आपको इससे क्या करना पड़ेगा, इसको एड सॉरी बिजनेस मैनेजर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, उस पेज को कनेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस मैनेजर से। तो ये पेज ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसी वजह से इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं तो वो शो कर जाएगा आपको। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, एक ऑलरेडी सेटअप है, अब यहां से कनेक्ट डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे देखो आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, सिंपल यहां पे एक कनेक्टेड है, आप यहां से क्रिएट नहीं करोगे, यहां से आप डायरेक्ट लुकअलाइक और एड रन कर सकते हो। आपको यहां पे आना है, यहां पे ग्रीन बटन दिख रहा है प्लस का, यहां से आपको क्लिक करना है। तो यहां पे हम क्लिक करेंगे तो देखो डेटा सोर्स में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक वेब एप्लीकेशन, ऑफलाइन, सीआरएम, मैसेजिंग। देखो आपके में ये ऑप्शन डिसेबल आ सकता है अगर आपने एक पिक्सल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो आपको क्या करना है, सिंपल वहां पे आएगा बिजनेस मैनेजर कनेक्ट करने के लिए, आपको बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेटा सेट अगर आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, या लेट सपोज हमने न्यू टेस्ट नाम दे दिया, हमें नया डेटा सेट बनाना है, राइट एक सेपरेट पिक्सल बनाना है, राइट। अब यहां पे आपको क्या करना है, सिंपल कनेक्ट मैन्युअली करना है, या यहां पे भी जाके आप क्या करोगे, वर्डप्रेस पे जाओगे। मैं यहां पे जो है वर्डप्रेस सिलेक्ट करता हूं, वर्डप्रेस पे जाओगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे,
नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट तो आई थिंक ये टेस्ट करने के लिए आ रहा है, वेट। आपको इंस्टॉल कोड मैनुअली भी क्लिक करना है और सिंपल इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब इस कोड को कॉपी करके मैं पहले सबसे पहले तो एक ऑनलाइन किसी नोटपैड में इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं इस कोड को, क्योंकि इस कोड में से सिर्फ हमें एक नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहां से इंस्टॉल मैनुअली पे करके हमने वो कोड कैप्चर किया, कोड ग्रैब किया, और उसके बाद कोड ग्रैब करके हमने जो है एक सेपरेट उसको हमने सेव कर लिया कॉपी करके। अब हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और लॉग इन करेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट पे। लॉग इन कर लिया हमने और यहां से प्लगइन पे जाएंगे, एड न्यू प्लगइन पे जाएंगे और यहां पे हम सिंपल सर्च करेंगे पिक्सल कैट। एक प्लगइन है जो यहां पे फेसबुक में बता रहा है, वो प्लगइन हमें नहीं सर्च करना, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या एक सर्च करना है प्लगइन, पिक्सल कैट। पिक्सल कैट हमने सर्च कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है, यही वाला आपका फर्स्ट वाला जो प्लगइन है यही वाला होगा। अब इंस्टॉल करके इसको जो है हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट हो गया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, पिक्सल कैट का ये ऑप्शन आपको आ गया, पिक्सल कैट में हम लोग जाएंगे। अब यहां पे आप डायरेक्ट कन्वर्जन एपीआई भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन हम कन्वर्जन एपीआई नहीं सेटअप करेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे पिक्सल फेसबुक पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पे पिक्सल आईडी मांगेगा आपसे, तो पिक्सल आईडी आपको अभी हमने जो ये कोड पेस्ट किया था इसमें से देखना पड़ेगा। ये आपका INID करके एक होगा, इनिट करके, राइट, ये न्यूमेरिक आईडी होगा, ठीक है। और या फिर आप नीचे आ सकते हो facebook.com/TR-ID, ये आपका ये होगा। तो दोनों एक ही है, तो इसमें से कोई भी आप, सिर्फ आपको आईडी कॉपी करनी है और आईडी कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना। अब उसके बाद हम सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद सेव ऑल सेटिंग कर देंगे। अब ये पिक्सल सेटअप हुआ है प्रॉपर नहीं हुआ है, इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे क्रोम में और हम लोग एक प्लगइन आता है मेटा पिक्सल हेल्पर, एक एक्सटेंशन आता है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे, मेटा पिक्सल हेल्पर ये वाला एक्सटेंशन, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐड एक्सटेंशन करेंगे हम लोग और जस्ट इसको हम स्टिक कर लेते हैं एक बार, राइट। अब हम लोग आते हैं अपनी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट कहाँ गई, ये हम लोग आते हैं विजिट साइट पे जाते हैं और यहां पे क्लिक करेंगे तो देखो यहां पे आ रहा है 1 pixel found, पिक्सल आईडी कौन सी है। अब हम लोग चेक करते हैं 1865, यही पिक्सल आईडी है, हाँ 1865 सेम पिक्सल आईडी है। दैट मीन्स ये जो है वो पिक्सल जो है वो सेटअप हो चुका है प्रॉपरली, अब पिक्सल प्रॉपरली सेटअप हो चुका है। बट अगर अभी देखो यहीं पे मैं पिक्सल को डीएक्टिवेट कर देता हूँ एक बार, उसके बाद देखते हैं, पिक्सल को मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग चेक करते हैं। देखो आ रहा है नो पिक्सल फाउंड, राइट। तो यहां से हम दोबारा इनेबल करेंगे और सेव ऑल सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से आके हम अगर रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके हम चेक करेंगे तो हमारा पिक्सल फिर से आ गया, मेटा पिक्सल 1 pixel फॉर्म। तो दैट मीन्स हमारा पिक्सल सेटअप हो चुका है। अब कंटिन्यू पे जाते हैं, कंटिन्यू,
पिक्सल आपका सेटअप हो चुका है। अब आपको यहाँ पे 24 to 48 आवर्स वेट करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ डेटा शो हो उसके पहले, ठीक है। हाँ, आपको 24 to 48 आवर्स वेट करना होगा, उसके बाद आपका डेटा जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम है कस्टम कन्वर्जन, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कस्टम कन्वर्जन में हम लोग सिंपल एक कन्वर्जन क्रिएट करेंगे। कस्टम कन्वर्जन का मतलब वही होता है, एक जो ऑर्डर पेज रहेगा और एक स्टेटस पेज रहेगा। पेमेंट डन, ऑर्डर क्रिएटेड, तो ये जाएगा ऑर्डर सक्सेस पेज पे, और यहीं से मेटा कन्वर्जन की जो एपीआई होती है या मेटा कन्वर्जन कोड होगा वो इसको ट्रैक कर लेगा, और ट्रैक करके आपके मेटा एड में, मेटा एड मैनेजर में अपडेट कर देगा एक कन्वर्जन हो गई, ठीक है। क्योंकि जब देखो, जब पिक्सल लगाए ना, तो यहाँ पे 10 विजिटर आए, अब 10 में से 1 विजिटर यहाँ पे आ गया, तो जैसे ही यहाँ पे आया, अब इसको पता था, इसको पता है। अब जैसे मान के चलो आप डायरेक्ट इस पे जाते हो, आपको क्या लगता है कि आपके पास ये पेज का URL, आप डायरेक्ट इस पे चले जाओगे तो एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगी? नहीं, फेसबुक को ये पता है कि यहाँ पे 10 विजिटर आए थे, 10 में से 1 विजिटर यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे भी आया था ये विजिटर, क्यों? पिक्सल, पिक्सल हमने इंस्टॉल कर रखा है ना, तो पिक्सल से उसको पता है, वो पूरी तरीके से ट्रैक कर रहा है इस चीज को। क्लियर है यहां तक? अब टारगेटिंग रिटारगेटिंग देख लेते हैं, सेम वही है टारगेटिंग रिटारगेटिंग जो हमने, हम सबसे पहले जाएंगे ऑडियंस में। अब यहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं टारगेटिंग रिटारगेटिंग में। जब आप क्रिएट ऑडियंस करोगे तो कस्टम ऑडियंस करोगे, कस्टम ऑडियंस में क्या रहेगा कि देखो यहां पे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। वेबसाइट, अगर कोई वेबसाइट पे आ रहा है वहां से उसको दोबारा फिर टारगेट करना है तो आप कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन है आपका, उसकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग टारगेट करना है आप कर सकते हैं। कैटलॉग है, ई कॉमर्स ई स्टोर है या व्हाट्सएप पे कैटलॉग है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हो। कस्टमर लिस्ट है आपके पास, उससे भी टारगेट कर सकते हो। कस्टमर लिस्ट बिल्कुल आपके पास, आपके 100 कस्टमर की लिस्ट है, आप उनको टारगेट कर सकते हो दोबारा से। हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में देखा था कॉफी शॉप वाला। ऑफलाइन एक्टिविटीज, तो ये आपका जो होता है एक तरीके से फुटफॉल के बेसिस पे होता है, और अगर आप ऑफलाइन कैंपेन रन कर रहे हो तभी ये पॉसिबल होगा। ऑफलाइन कैंपेन मतलब ये होता है कि किसी विजिटर को आपके स्टोर तक पहुंचाना, पहुंचाना मतलब वो कॉल टू एक्शन ऐसा होता है कि विजिट नाउ, अर्ली डील और ऐसे करके जो होते हैं, जो ऐड आते हैं। उसके बाद मेटा सोर्स में आ जाते हैं। मेटा सोर्स में क्या है? वीडियो, आपके फेसबुक पेज पे कोई वीडियो पड़ी है और आपने यहां से टारगेट किया कि अगर उस वीडियो को किसी ने देखा है, जिस जिसने उस वीडियो को देखा है उसको हम टारगेट करेंगे, तो देखो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। 365 लास्ट एक साल में उस वीडियो को जिसने जिसने देखा है उसको आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ऐसे लोग जिन्होंने 3 सेकंड वीडियो देखी है, ऐसे जिन्होंने 10 सेकंड देखी है, ऐसे जिन्होंने 15 सेकंड देखी है, ऐसे जिन्होंने 25% देखा है, जिन्होंने 50% देखा, 75% देखा, 95% देखा। दैट मीन्स आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो कि वीडियो के साथ उनकी ड्यूरेशन और एंगेजमेंट कितनी रही। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आपके आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके साथ अगर किसी ने इंटरेक्शन किया है तो यहाँ से आप कर सकते हो। लीड फॉर्म, अगर किसी ने लीड फॉर्म फिल किया है तो उसको आप दोबारा से टारगेट कर सकते हो। इवेंट्स, लाइक अगर किसी ने फेसबुक इवेंट में आपके, आप जो फेसबुक इवेंट हम लोग क्रिएट करते हैं ना फेसबुक पेज पे,
उसमें किसी ने इंटरेस्ट शो किया है तो आप यहाँ से रिटारगेट कर सकते हो। इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये तो अभी फिलहाल के लिए कंटिन्यू नहीं है। फेसबुक पेज के साथ अगर किसी ने आपके फेसबुक पेज को किसी ने लाइक किया है, इंटरेक्शन किया है उसके साथ, उसकी किसी पोस्ट को लाइक किया है, तो आप कर सकते हो यहाँ से। शॉपिंग में भी आप कर सकते हो ऑन फेसबुक लिस्टिंग, दैट मीन्स अगर फेसबुक पे आपकी लिस्टिंग है, फेसबुक जो मार्केट प्लेस होता है फेसबुक का, फेसबुक मार्केट प्लेस पे अगर आपकी कोई लिस्टिंग है उसके साथ अगर किसी यूजर ने इंटरेक्ट किया है या इंगेजमेंट क्रिएट किया है तो आप यहाँ से उसको टारगेट कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको सिंपल क्या करना होगा रिटारगेटिंग में, यहाँ पे आपको ऑडियंस क्रिएट करनी होगी, कस्टम ऑडियंस आपको क्रिएट करनी होगी, उसके बाद जाके वहां पे ऐड चला देना होगा, ऑडियंस में यही कस्टम ऑडियंस आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। सिंपल यही है आपका। अब जैसे आपने चलाया, आपने इसको, आपको पता है ऑटोमेशन कैसे होता है इसमें? ऑटोमेशन बेसिकली ऐसे ही होता है, आपने एक ऐड चला दिया कि पर्टिकुलर एबीसी पेज पे मेरी वेबसाइट पे कोई विजिट करेगा तो उसको एक ऐड शो होगा, और आपने ऐड चला दिया, ठीक है, रन कर दिया ऐड। अब जैसे आज किसी ने विजिट किया आपके पेज को, उस पर्टिकुलर उस वेबसाइट के पेज को, तो कूलिंग पीरियड होता है 24 आवर्स का, और उसके बाद वो ऐड उसको शो होने लग जाएगा, जो ऐड आपने टारगेट किया है वो ऐड उसको शो होने लग जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था कि आप जाके उनकी वेबसाइट पे विजिट करना, एक आध फॉर्म वॉर्म फिल कर देना, वो आपको दोबारा से रिटारगेट करेंगे फेसबुक पे, आपने इंटरेस्ट शो किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं टारगेटिंग और रिटारगेटिंग। आई होप कि क्लियर होगी है सारी चीजें। और आप लोगों में से, मेरे पास रिपोर्ट आई थी कि आप लोगों से बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो प्रीवियसली 4 सेशन अपलोड हुआ था उसको मिस कर दिया था, कम्प्लीटली मिस कर दिया था, राइट? उन्होंने ना उसको देखा, कुछ लोगों ने तो अभी तक ओपन भी नहीं किया है। लुकलाइक ऑडियंस, देखो लुकलाइक ऑडियंस होता क्या है, जैसे आप जाते हो लुकलाइक ऑडियंस, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस साइज जो है वो आप सिलेक्ट करोगे, 1 या 2%, 1 या 2% इन द सेंस उसके जैसे आपको 1% ऑडियंस फाइंड आउट करनी है, 2% ऑडियंस फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ से, लाइक एक कस्टमर वैल्यू होता है, आप यहाँ पे अपने कस्टमर की जो लिस्ट होगी वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे, जिसमें उनकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या ऐसी चीज़ें होंगी। तो लुक लाइक ऑडियंस में यही चीज़ होती है कि आपने उनको जो है टारगेट किया, ठीक है, आप जिन कस्टमर की डिटेल आपके पास थे उनको आपने टारगेट किया, और मेटा उसी के जैसे नए कस्टमर आपको ला के देगा, नए यूजर्स आपको फाइंड आउट करके देगा। सेम सिंपल, मेटा जो है आपको नए यूजर्स, उसके सिमिलर यूजर्स आपको ला के देगा, यानी कि उन तक आपका ऐड पहुंचाएगा, उसी को हम बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। कि आपके पास जैसे डेटा है कस्टमर का, तो आप अपलोड करके लुक लाइक ऑडियंस में ऐड रन कर सकते हो। सिंपल है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।